डॉक्टर अंबेडकर, उस कॉलेज में 100 सीट्स हुई हैं ऐड फॉर एमबीबीएस। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस? ओके पलक, ओके इट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। एक तो चंडीगढ़ में कॉलेज है आप लोगों का 32 का, और एक अभी एक कॉलेज ऐड हुआ है तो नियर बाय विसिनिटी में आपके 6 फेज में है कॉलेज। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये होगी कि आप 80% आपके पास कोटा होना चाहिए पंजाब का, और या फिर आपका रेजिडेंस है, बहुत सारी चीजें तो वील डिस्कस लेटर ऑन, बट इट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन दैट नाउ वी हैव टू कॉलेजेस इन आर विसिनिटी, एक 6 फेज में आ गया और एक चंडीगढ़ में। ओके एंड दे आर गोइंग टू ऐड मोर सीट्स। इस बार है, इस बार भी एडमिशन शुरू हो जाएगी, इस बार के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, और नेक्स्ट ईयर से शायद 220 सीट्स हो जाएंगे ऐड। राइट नाउ इट्स 100, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ दैट वे इज ओनली, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट एडमिशन इन चंडीगढ़ और नियर बाय एरिया टू चंडीगढ़ बिकॉज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एंड बिलीव मी द एजुकेशन सिस्टम हेयर इज वेरी गुड, यू विल गेट वेरी गुड टीचर्स, वेरी गुड फैकल्टी, वेरी गुड इक्विपमेंट, सो इट्स बेटर टू मैम स्टे नीट इन। के बेसिस पे एडमिशन होगी कि प्लस टू के नहीं परसेंट नहीं पे? नीट 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 ओके मैम, सब कुछ, हाँ नीट पे। बट आपकी जब मेरिट बनती है ना, सपोज 3-4 बच्चे एक ही लाइन पे एक ही रैंक पे है, तो सबसे बड़ी प्रेफरेंस आएगी कि आपने आपकी प्लस टू कहाँ से है, आपकी 10th कहाँ से है, आप रहते कहाँ हो, रेजिडेंस कहाँ पे, तो बहुत सारी चीजों का क्राइटेरिया आता है। और सबसे पहले हम देखते हैं जब एक ही रैंक पे 5-6 बच्चे हैं, क्योंकि हो सकता है कि 10 बच्चे आ गए एक ही रैंक पे, तो सबसे पहले आपके बायो के मार्क्स, जिसका बायो में अहेड है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो बच्चों को आगे किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि नियर बाय एरियाज के स्टूडेंट्स कौन है, कोटा किसका है, यहाँ बहुत सारी चीजें जो क्राइटेरिया बेसिस पे आती हैं। 32 कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, 32 का जो है अभी आप देख रहे हो, बिकॉज जो 32 के बाद जो आपकी एडमिशन है, आप पोस्ट डॉक के लिए आपके पास पीजीआई है। पीजीआई इज अगेन एन इंस्टीट्यूट, इट्स अ पोस्ट ग्रेड इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस विच इज अ बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए आपके पास पीजीआई है। पीजीआई के लिए अगेन अगेन देयर इज एन एंट्रेंस। सो राइट नाउ आई थिंक देयर विल बी गोइंग टू बी ऑनलाइन एंट्रेंस ओनली, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। आई विल ऑल्सो शेयर फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, आई विल बी शेयरिंग एमसीक्यूज फ्रॉम बायोलॉजी। एक छोटी सी बात जो आप लोगों से बार बार की जा रही है कि बायो के जो मार्क्स हैं, बायो का अगर आप देखते हो तो बायो में दो पार्ट्स आते हैं, बॉटनी एंड जुअलॉजी। और केम और फिजिक्स, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अपना टाइम लगाते हैं फिजिक्स में, बिकॉज जो सब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, सबसे लीस्ट बायो को टाइम देते हैं। बायो में क्वेश्चंस आने हैं 45-45 ईच, केमिस्ट्री में आने हैं 45, फिजिक्स में आने हैं 45, तो आप लोग देख सकते हो कि वेटेज किसकी ज्यादा है। ठीक है, और वेटेज में अगर हम ये बात करें, अगर आप लोगों को बताओ मार्क्स कितने आते हैं टोटल, एनी वन हैविंग आइडिया? 120. यस, 180 क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स ईच, 720 मार्क्स। इसमें से अगर आप चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो 650 प्लस मिनिमम होने चाहिए मार्क्स, जस्ट इमेजिन, बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। बट ये बहुत बच्चे जो हैं 700 प्लस की रेंज में भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। वो तभी हो सकता है जब आपकी एनसीईआरटी थोरो प्लस टू, अभी सबसे अच्छा टाइम यही है। कि जब आप लोगों के पास चैप्टर्स हो रहे हैं तो आप लोग साथ साथ अभी प्रिपरेशन भी कर लो एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज जितना प्रिपेयर करोगे, जितने क्वेश्चंस आपके सामने से निकलेंगे, आपके आईज के आगे से निकलेंगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, और सबसे अच्छी चीज ये होती है प्रैक्टिस के लिए, अब ऑनलाइन आप लोगों को करना है, एंड यू कैन बाय बुक्स। आप जब बुक शॉप पे जाओगे, यू कैन कॉल अस, वी रिकमेंड यू डिफरेंट बुक्स,
जो इजी है और अभी करने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पहले करोगे एनसीईआरटी पढ़ना शुरू हो जाओ। और ये 700 मार्क्स अगर लेने हैं तो बायो में 90 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। और 80 क्वेश्चंस कितने हो गए, कितने मार्क्स हो गए, 320। दिस इज अ मैजिक नंबर। आई से आई यूज टू ऑलवेज से दिस दैट दिस इज अ मैजिक नंबर। अगर बायो में आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं 320, तब 80 क्वेश्चंस इमेजिन कर लो कि आपको इतना अच्छा सा करना है कि आपको जो 80 क्वेश्चंस जो हैं बॉटनी और जूलॉजी बायो के, वैसे जिन्होंने अभी ज्वाइन इन किया है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट नीट एग्जाम। तो नीट में देखो, एक तो सबसे पहली न्यूज ये है कि आपके मोहाली में 6 फेस में डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज है, उसमें 100 सीट्स जो है इस साल से ओपन हो गई है फॉर मेडिकल MBBS के लिए। तो अब नाउ वी हैव टू कॉलेजेस, वन इज इन सेक्टर 32 मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस का फायदा है। और दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, उस बेसिक्स में, इसमें भी 100 सीट्स ऐड हुई हैं, इधर भी 100 प्लस सीट्स हैं। और फायदा ये होता है कि जो चंडीगढ़ कोटा, अगर आप मोहाली स्कूल में हो तो मोहाली का आपका कोटा बन जाएगा 80%, चंडीगढ़ में हो तो चंडीगढ़ का, तो अब नियर बाय एरियाज में है। एंड इट इज बेटर इफ यू गेट एडमिशन टू योर लोकल एरियाज, बिकॉज बाहर जाके एडजस्टमेंट इज क्वाइट टफ, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन, इट्स डिफिकल्ट, एंड मोर ओवर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन, स्टे अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली। जिस बच्चे को आदत होती है सिर्फ पढ़ना, पढ़ने के लिए, इनफैक्ट अगर आप दूसरी जगह रहते हो तो वहाँ आपको सब चीज़ें मैनेज करनी है, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपको मैनेज करके देंगे, खाना खाना है और पढ़ना है, दैट्स इट। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस बायो केम एंड फिजिक्स। तो बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि फिजिक्स को सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं, और फिजिक्स में माई डियर फ्रेंड्स यू कैन सी दैट यू विल गेट ओनली 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 45, बायो में 90। वैसे हमारा टारगेट सबका ये होना चाहिए कि 80 क्वेश्चंस ठीक हो, इट्स अ बिग नंबर। और बायो में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जो चीज फिक्स्ड है, सपोज यूरिन फॉर्मेशन, या यूरिन हमारा एक दिन में कितना प्रोड्यूस होता है, 1.5 लीटर अ डे, तो वो फिक्स है। हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, 4, वो फिक्स है। लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, वेगस नर्व, 10, तो वो फिक्स्ड है चीजें। तो मतलब ये 80 क्वेश्चंस ठीक करना, इट्स नॉट अ बिग डील, इट कैन बी डन बाय रिगरस प्रैक्टिस। और फिर इसके बाद अगर ये 80, क्योंकि देखो अगर आपके ये टोटल किए हमने 90 क्वेश्चन फ्रॉम बायो, 90 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 180 क्वेश्चन हुए, 90 प्लस 90, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल कम्स आउट टू बी 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और चंडीगढ़ में अगर एडमिशन लेनी है तो 650 से ऊपर नंबर चाहिए, और बहुत बच्चों के 700 से ऊपर आते हैं जो चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं इस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज में। और ये 700 लेने के लिए बायो में ये मैजिक नंबर चाहिए 80 क्वेश्चंस करेक्ट, क्योंकि 80 करेक्ट होंगे तो 320 नंबर होंगे आपके पास, 300 नंबर मिनिमम, 300 प्लस आपके अगर इसमें आएंगे, और फिर अगर आप इसमें से 30 क्वेश्चन इसमें से ठीक करते हो, और लेट्स से कि फिजिक्स आप लोगों को नहीं आती, फिजिक्स में बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तो 25 भी अगर क्वेश्चन इसमें से करते हो और इसमें से 35 या 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री इज ऑल्सो ईजी, अगर आप 10 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है उनको छोड़ दो और बाकी 35 कर लो, देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स। फिजिक्स में सिर्फ अगर आप 25 क्वेश्चन ठीक करते हो, बाकी रॉन्ग नहीं, बाकी ओवर अटेम्प्ट करोगे तो फिर वो माइनस होते रहेंगे मार्क्स में से, तब जाके आप सोच सकते हो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यही प्रॉब्लम होती है कि हम ओवर अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपके जो क्वेश्चंस है ना ओवर अटेम्प्ट हो जाते हैं, ये रीजन है कि जो मार्किंग ओवर अटेम्प्ट की वजह से ही बच्चे जो है पीछे रहते हैं। अब सपोज इसमें से 90 ठीक थे, आपके आ गए 320 आने चाहिए थे, बाकी 10 रॉन्ग कर दिया आपने, ओवर अटेम्प्ट कर दिया, तो ये इसमें से जो आपके 320 में से आपके 40 माइनस हो जाएंगे, तो अब फिर 200 की रेंज में आ गए, और फिर नहीं आप निकल सकते चंडीगढ़ में, तो नहीं।
एंड बिलीव मी द इक्विपमेंट्स द टीचर्स इसमें वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं यहाँ पे, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स है, प्रैक्टिस अलग से होगी आपकी अच्छे से। फिर अगर आप करके निकलते हो MBBS विच इज अ ग्रेजुएट डिग्री, तो पोस्ट ग्रेड के लिए आपको बताया अभी PGI है, PGI की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रिसर्च होती है, वहाँ सारे जितने भी डॉक्टर्स जो आप लोगों को ट्रीट करेंगे दे आर दी प्रैक्टिशनर्स, वो जो पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पे MBBS के बाद गए पोस्ट डॉक कर रहे हैं, उनके सीनियर्स जो होते हैं वो उनको एडवाइस करते हैं, वो कम मिलते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, वो उनको गाइड करते हैं सीनियर्स, और उनके अंदर वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आप लोगों को डॉक्टर्स मिलते हैं। और इतने यंग डॉक्टर्स हैं, इफ यू गो टू PGI यू विल सी देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स व्हिच आर यंग, ऐसे लगता है कि अभी 20s में ही है, अभी 20s है, और लुक सो गुड। अगर किसी का पैशन है डॉक्टर बनने का तो जरूर जाओ, अभी तो खैर लॉकडाउन है अभी तो नहीं जा सकते, बट अदरवाइज मेक अ ड्रीम, क्योंकि इस टाइम पे टॉप पे है मेडिकल लाइन। अगर सबको पता है इस टाइम पे मेडिकल लाइन में इफ यू डू अ सिंगल कोर्स फॉर मेडिकल लाइन इट इज इन हाई डिमांड, यू कैन गो डायरेक्टली टू अदर कंट्रीज, विल गिव यू डायरेक्ट वीजा, बाहर जाके भी कोई पेपर भी क्रैक नहीं करना पड़ेगा। इफ यू डू गुड कोर्सेस फ्रॉम इंडिया, जैसे आप मेडिकल कोर्सेस करते हो, मेनी ऑफ आर स्टूडेंट्स आर गोइंग in this year only, after they completing their plus two, they're leaving for outer countries, but I prefer you to complete your graduation here. Okay, so I'm going to start with a new topic. Aap log sabhi sunoge. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, Dr. Ambedkar College is a government college. Yes, yes. Okay. Jo partly, haan, partly government hai. पार्टली गवर्नमेंट एडेड होगा, क्योंकि जब इनिशियली बनते हैं ना डॉक्टर जो कॉलेजेस, तो उसमें कुछ पार्ट गवर्नमेंट का होता है कुछ, वैसे ये अगर पूरा गवर्नमेंट एडेड आप लोगों के टाइम तक तो हो जाएगा। ओके ओके मैम, तो नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन प्रोसेस होता है जब बच्चा बाहर आता है मदर बॉडी से, तो एक्सपल्शन जनरली इट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस। तो इसकी एक डेफिनेशन है विच इज एक्सपल्शन ऑफ फुली फॉर्म फीटस, फीटस मतलब बच्चा, एक्सपल्शन ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम यूट्रस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड आप लोगों को बताया था मैंने, गेस्टेशन पीरियड इज अ पीरियड ऑफ, यस it is period of pregnancy and it is for 9 months, sabko pata hai, it is for 280 days ya 277 days, sorry 280 days ya 277 days ya fir isko 40 weeks, ek hi baat hai, to 9 months 40 weeks ya 280 days, aur ye kaise hota hai, acha we should respect our mother because ye jab 9 months mein aap, I always ask my students to just think ki agar aapke body ke upar ek bag rakh diya hai 2.5 kilo ka, aapki body mein piche backpack laga diya hai ya fir aage laga diya hai aur aapko bola hai ki aapne usi ke sath sona hai, usi ke sath washroom jana hai, usi ke sath khana hai, har time aapke paas hai, hum kuch dinon mein hi mushkil aani shuru ho jayegi, and mothers they carry us for 9 months and we should be thankful to her. और फिर उसके बाद जो एक स्पेशल मैकेनिज्म आता है, which is known as neuroendocrine mechanism. कुछ चीजें facts हैं, I'll definitely discuss, which is not from your NCERT or from your book. तो इसमें कुछ कहते हैं कि 9 months complete होते ही कुछ फैक्टर्स हैं, बच्चा जो है वो अनइजी होना शुरू हो जाता है बिकॉज दैट स्पेस इज वेरी लेस फॉर द बेबी, तो फीटल जो है कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, फीटल अपने आप को इजेक्ट करता है बॉडी में से, मदर बॉडी से वो निकलने की कोशिश करता है, फीटल वो जैसे बाहर जैसे चीजों को मारना शुरू कर देता है, और ये चीज जो है इट कॉजेज माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन। सब ने पढ़ा है कि यूट्रस में सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, यूट्राइन
contraction. This is also called as labor pain. In layman language, common language में हम ये बोलते हैं कि labor pain है जब uterus की contraction शुरू हो जाएगी. कहते हैं pains देनी पड़ती हैं. तो pains is what? Uterine contraction. तो ये जो uterus था female का, इसमें अगर हम diagram देखें, तो uterus में जो इनर मोस्ट लेयर है इसकी रिग्रेस कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, इसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपल्शन होगी. तो रिग्रेस कंट्रैक्शन पहले माइल्ड होगी, फिर उसके बाद माइल्ड होनी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद रिग्रेस होगी. फिर इसी को ठीक करने के लिए मदर बॉडी से रिलीज होता है हॉर्मोन ऑक्सीटोसिन. आई टोल्ड यू दिस हॉर्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is called as पहले आप समझोगे बेटे, just listen to me carefully. The oxytocin is known as birth hormone as well as milk ejecting hormone. इसी की वजह से mother body से secrete होता है milk. तो it is secreted, this hormone is secreted from maternal body. और जैसे ये hormone, ये oxytocin आता है, oxytocin uterine की contraction को और तेज कर देता है. The uterine contraction increases. ये मैंने बहुत इजी फॉर्म में आपके लिए कर दी है. एक अगर आप देख रहे हो तो ये ग्राफिकल फॉर्म में, मतलब आप सिंपल सा आपको एरो हेड आप लगा के ये बनाओगे. अदरवाइज दिस विल बी इन, यू नीड टू राइट दिस इन पैराग्राफ फॉर्म लेटर ऑन. बट अभी ये आप लोगों को इजी हो जाएगा कि ये स्टेप्स होते हैं. देन आफ्टर दिस यूट्रस कंट्रैक्शन जब विग्रस हो गई, फिर उसके बाद जो सर्विक्स रीजन है, जो फीमेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स. अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था कि जब बेबी रहता है मदर बॉडी में तो सर्विक्स का रीजन, कोई बताएगा क्या हुआ था मैम? वहां पर म्यूकस एक्युमुलेट हो जाता है, प्लग इन हो जाता है, प्लग बन जाता है, म्यूकस प्लग, जो थोड़ा जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो प्लग कर देगा इसको, इस ओपनिंग को बंद कर देता है. तो सर्विक्स जो है ये डायलेट होगा, डायलेटेड मतलब ओपन अप होना शुरू हो जाएगा. फिर जैसे ये खुलेगी जगह तो बच्चे की एक्सपल्शन होगी, एक्सपल्शन मींस मूवमेंट आउट ऑफ द बॉडी. और फिर इसके बाद ये चलती रहती है एक्सपल्शन जब तक बर्थ हो ना चुका हो, और इनफैक्ट इट रिमेन्स इवन आफ्टर बर्थ. सो प्लीज स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट नाउ. फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन. पार्चुरेशन, एक्सपल्शन ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम यूट्रस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड. Expulsion of fully formed fetus from uterus after the completion of gestation period. Please write down the next part. Mechanism of expulsion. या फिर neuroendocrine mechanism. Neuro मतलब nerves, endocrine मतलब hormone. तो ये हमारे nervous system भी act करता है और हमारे hormonal system. Neuroendocrine mechanism.
और इसमें स्टार्ट करो आप लिखना, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है, फीटल इजेक्शन फैक्टर, माइल्ड यूटराइन कंट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मेटर्नल पार्ट, देन यूटराइन कंट्रैक्शन इंक्रीजेस, and if you are done, can I move to the next page? Yes, ma'am. Okay, everyone? Yes? Yes, ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Yes, ma'am, Tanvi. Ma'am, aapko awaaz aa rahi hai? Yes, yes, Tanvi. Aa rahi hai, bete. Yes. In fact, it is very clear today. तन्वी नोट डाउन कर लिया था पीछे वाला पार्ट? यस मैम, नोट डाउन कर लिया था, बस वो माइक ही नहीं चल रहा था. ओके, इस पे लिखोगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस. सर्विक्स डायलेट हुआ, एक्सपेल हुआ बच्चा. अब जो इसके बाद फॉर्म हुआ वो क्या था? फुली फॉर्म्ड फीटस, पूरा तैयार है बच्चा, फुली फॉर्म्ड फीटस प्लस उसके साथ एक चीज रिलीज होती है विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा आपने टेंथ में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट आई विल एक्सप्लेन टुडे. Placenta is the outermost covering that covers the body of fetus. And in some cases, sab mein produce hoti hai ye jab baby ek bag mein hota hai. You can just imagine. I'll show you the video also. So, usme wo jab baby cover hota hai mother body ke andar ek bag mein, to wo bag ka bag bahar aata hai. Sorry, water bag jab burst ho jata hai, to baby with pani, with amniotic fluid bahar aata hai. You can imagine a balloon which is filled with water with a baby inside. और जब वो balloon burst होगा तो पानी भी आएगा और उसके flow के साथ बच्चा भी बाहर आ जाता है. अब that balloon covering is called as placenta. Placenta is a pouch. It protects the baby from shock. और उसके अंदर जो fluid होता है, again it act as shock absorbent. God forgive अगर mother को जरा सी चोट लगती है, suppose झटका लगा, jerk लगा, तो बच्चे को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब पानी में आप इमेजिन कर सकते हो बॉल बाउंस करती है, तो ऐसे लगता है कि जस्ट एक जर्क लगा है, हल्का सा एक बाउंस होता है, जर्क नहीं लगता. तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द बेबी आल्सो विद इन द बॉडी ऑफ मदर. यस तन्वी. और अच्छा, इसीलिए कभी भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल को देखो तो आप उसको यू शुड गिव रिस्पेक्ट, इवन इफ दैट you can give her help baithne ke liye koi saman, so it is better because she is carrying the baby and she is in a deep pain also. Her stage is totally painful, so it is better, because you all are science student, you should understand ki bachcha jo hai mother body mein protective case ke andar hai and mother body is वेरी लेस इम्यून टू एवरीथिंग. जैसे अगर उसको जुकाम होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो इट कैन नॉट हील ऑन इट्स ओन, बिकॉज हर सारा जो सारा सिस्टम है दैट इज प्रोटेक्टिंग द बेबी. प्लेसेंटा जो है,
आप हैरान हो जाओगे कुछ जानवरों में, जैसे एग्जाम्पल कैट्स में कई जानवर जो हैं वो अपनी प्लेसेंटा को खा लेते हैं, इवन स्नेक्स। कितनों को ये बात का पता था? एंड ओके पलक, हाँ श्मीथर जो, तो वो अपनी प्लेसेंटा बच्चे को बर्थ करते ही वो खा लेते हैं। इनफैक्ट स्नेक्स तो अपने कुछ एक दो बच्चों को भी खा लेते हैं। बट वाई डिड डू इज सो दैट दे कैन, अच्छा यस सो दैट दे कैन गिव प्रोटेक्शन एंड फीड टू द अदर बेबीज फॉर फ्यू डेज, मतलब अपने बॉडी में जान लाने के लिए। अब जैसे अगर मैंने बोला कि जो कैट है या बिल्ली है वो अपने प्लेसेंटा को खा लेती है, तो वो इसलिए खाती है कि उसको कुछ दिन तक वो शिकार नहीं करेगी या उसे फीड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा। तो जो ये प्लेसेंटा, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट विल गिव नरिशमेंट टू दी मदर बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। बच्चों को पालने के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है। सांप ने भी अपने बच्चों को इसलिए खाया ताकि वो आगे बच्चों को पाल सके, नरिशमेंट कर सके। प्लेसेंटल लेयर जो है, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। एंड इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि कई लोग क्या करते हैं, जब बिल्ली के बच्चे होते हैं तो उसकी जो प्लेसेंटल लेयर है फटाफट से उठा के छुपा लेते हैं और कहते हैं कि इसको अपने अलमीरा में, अपने लॉकर में रखो, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता आती है, लक्ष्मी आती है। तो इट इज अ मिथ, इट्स नॉट लाइक दिस, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय मदर मोर एज कम्पेयर टू लॉकर। तो आप लोगों को वहां रखने की बजाय इट शुड बी गिवन टू द मदर ओनली। तो आई होप सबको समझ आ गया। प्लेसेंटा अब लिखोगे आप, नाउ राइट डाउन, सॉरी इसमें डिफरेंट फेजेस हैं। आई टोल्ड यू टू, आई विल मेक यू राइट डाउन पॉइंट्स आल्सो। सबसे पहला फेज, और जो आप बता दिया आपको एंड में, बच्चा जो है फुली फॉर्म फीटस, भगवान करे हर एक के ऐसे ही हो फुली फॉर्म फीटस। प्री मेच्योर बेबी के केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। रीजन बीइंग कि वो जो मदर की बॉडी में कंडीशन थी पेट के अंदर, वो उन्होंने इंक्यूबेटर्स में क्रिएट कर दी। और बच्चा इफ इट इज बॉर्न इन 7th month, इट इज कॉल्ड एज प्री मेच्योर बेबी। 8th month वाला बच्चा कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज इन दिस मंथ ब्रेन इज बीइंग डेवलप्ड एंड इट इज वेरी डेंजरस इफ द पार्चुरेशन अकर्स इन 8th month। रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस है बेबी कैन सर्वाइव, वेयर एज इन 9th month इट इज द सेफेस्ट मंथ। 7th month बेबी, कई लोग हो गए, आप लोग में से कोई एक है, आधा है कोई स्टूडेंट जो प्री मेच्योर बेबी है, तो वो जो 2 महीने थे 7th के बाद, 8th एंड 9th, क्या आपने हाथ रेस किया हुआ है? एलिना, अनुभव, आप लोग में से कोई है प्री मेच्योर बेबी? नो। हरजोत, खुशी? यस मैम। ओके ओके ठीक है, तन्वी, खुशी, हरजोत, ओके गॉट इट। तो ओके सो बच्चे, ये आप इमेजिन कर सकते हो जो मदर बॉडी में कंडीशंस थी वो उन्होंने, डॉक्टर्स ने क्रिएट की इंक्यूबेटर्स में, सेम एनवायरनमेंट, सेम कंडीशन। और जब हम छोटे होते हैं हमें, क्योंकि हम मदर बॉडी में रहते हैं तो हम लोग मदर की जो हार्ट बीट है उसको सुनते हैं एंड वी रिमेन काम इनसाइड मदर बॉडी। रोना भी आता है या कोई इमोशंस भी होते हैं तो मदर बॉडी की हार्ट बीट को सुन के वी रिमेन काम। इसीलिए अभी भी आपने कभी देखा हो जब आप लोग उदास होते हो, जब आपको बहुत दुखी होते हो, फ्रेंड ने हर्ट किया आपको, मम्मा पापा ने हर्ट किया, पेपर्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो व्हाट यू डू इज यू प्रेफर टू लिसन टू वेरी काम सॉन्ग्स। और जो जो काम सॉन्ग्स होते हैं उनके अंदर ज्यादातर हार्ट बीट्स बीट्स डाली जाती है, तो इट अपियर्स एज इफ यू आर इनसाइड द मदर्स वूम, मतलब ऐसा लगता है यू आर इन अ सेफ जोन। ओके सो पार्चुरेशन में सबसे पहले लिखो डायलेशन फेज। गॉड इज रियली ग्रेट, बहुत कुछ चीजें जो भी हम पढ़ेंगे साथ साथ समझ आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ है जो आप लोगों को, आपके लोगों के लिए न्यू है। तो फर्स्ट फेज इज डायलेशन फेज, और इसमें डायलेशन में क्या होता है, क्या चीज डायलेट की थी? यस लुक ऑन योर स्क्रीन, कर सर्विक्स, सर्विक्स इज डायलेटेड एंड अ हॉर्मोन रिलैक्सिन हिप रीजन को ब्रॉडन कर देता है।
रिलैक्सिन. कहते हैं आईज जो है ना आपकी सेम साइज रहता है व्हेन यू आर बोर्न टिल यू रीच प्यूबर्टी और एज एट एज ऑफ योर मैच्योरिटी. द आई साइज रिमेन सेम, हेड रीजन रिमेन सेम. हेड में सिर्फ हमारे जो ये स्कल बोन है ये फॉर्म होती है आफ्टर बर्थ, अदरवाइज स्कल का जो साइज है दैट रिमेन सेम. तो जस्ट इमेजिन अ बिग स्कल इज कमिंग आउट ऑफ फीमेल बॉडी, तो ओपनिंग को थोड़ा डायलेट ज्यादा होना पड़ता है. सर्विक्स रीजन डायलेटेड होगी तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन विच इज रिलैक्सिन. अब जब वो सर्विक्स डायलेट हो गई फिर सेकेंड फेज आता है एक्सपल्शन फेज. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, बट अप्रोक्सीमेटली 3-4 इयर्स अगो 32 में मैम ऑर्गन डोनेशन का सेमिनार था, तो वहां मैम सारे ऑर्गन्स और बोन्स दिखाए थे, तो मैम स्कल तो सबके डिफरेंट साइज के थे. नहीं, स्कल का साइज यस इट इज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैंने बोला मेरा मतलब मेरा जो बर्थ में था वो बाहर आके मदर बॉडी से. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पर्सन. जैसे आपका जो साइज था स्कल का दैट इज सेम सिंस यू वर बॉर्न एंड यू आर टुडे. इट इज ओनली दैट द डिफरेंस इज योर फॉर्मेशन ऑफ स्कल बोन. गॉट इट? बट आपका ब्रेन साइज विल बी डिफरेंट फ्रॉम माई साइज. इंडिविजुअल का बताया. नेक्स्ट इज एक्सपल्शन फेज. अब कहते हैं जब रिलैक्स हो गया सर्विक्स ने डायलेट कर दिया तो उसके बाद एक्सपेल होता है. एक्सपल्शन के लिए हॉर्मोन आता है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन सबसे मेजर रोल प्ले करता है. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? मैम वेट अ मिनट. ओके, डन मयंक, कैन आई मूव? मैम एक मिनट प्लीज. ओके ओके. तन्वी आपको मेरी आवाज आ रही है? आई गॉट योर मैसेज. आई एम डन. ओके तन्वी, एम आई ऑडिबल? अमन? यस मैम. ओके सो नाउ नेक्स्ट पार्ट. अभी आपने देखा ऑक्सीटोसिन आ गया. ऑक्सीटोसिन सिंपल इंड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन. Strong uterine contraction, which is also called as, who will tell me, layman language mein kya bolte? Labor pain. Yes, labor pain. Expulsion, along with the cord, which is called as umbilical cord. मैम एक्सपल्शन फेज के अंदर ही है ये तीनों पॉइंट्स. यस यस एक्सपल्शन के अंदर आ रहे हैं. एक्सपल्शन में आएगा अम्बिलिकल कॉर्ड. मैम. यस मैम, अब आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ बच्चे, मेरे को वॉइस क्लियर है आपकी, बहुत अच्छे से आ रही है आज. तो यू नो अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड The fetus, हमारे आपको बताया था अगर आपने 6 महीने 10 दिन का बच्चा अगर किसी ने देखा है, जो भी न्यूली बॉर्न बेबी है कुछ डेज का है, तो उसमें आप देखोगे जो बेली पॉइंट है दैट इज दैट हैज अ ट्यूब. हमारा मदर, हमारे मदर और हमारे बीच में कनेक्शन होता है ट्यूब से, और वो उसको बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना पड़ता है और फिर उसको वो एक बड़ा सा एक सेफ्टी पिन लगाते हैं मदर बॉडी से, तो कट करते हैं, रिमूव कर देते हैं, बेबी के साथ वो रखते हैं और उसको पिन लगाते हैं. कट करने से बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं होता?
मुझे क्योंकि ना जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड काम कर रहा था ना, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या काम कर रहा था, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसफर ऑफ गैसेस, वो बच्चे से हम बाहर करवाएंगे इमीडिएटली जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ. हम जब बर्थ हुआ हमारा तो एक डॉक्टर्स या नर्सेस क्या करते हैं, हमें उल्टा करके हमारी पीठ पे पैट करते हैं ताकि जो हमारे लंग्स थे वो जो कोलैप्स हुए हुए थे, बंद हुए हुए थे, वो खुल के हवा भर जाए उनके अंदर. तभी आपने देखा होगा बच्चे एकदम रोते हैं, और आपने ये भी मूवीज में देखा होगा बाहर रोने की आवाज आती है फिर कंग्रेचुलेशन मुबारकें शुरू हो जाती है. दैट मीन्स द बेबी इज अलाइव. और अगर बच्चा नहीं आवाज करता और बच्चे की प्रॉब्लम आती है लंग्स में नहीं फिल हुआ एयर से, तो उस बेबी को हम टर्म देते हैं ब्लू बेबी, डेड बेबी बोलते हैं ब्लू बेबी. तो क्योंकि हम मदर बॉडी में पानी में थे, एमनियोटिक फ्लूइड में थे, इंक्यूबेटर में रखते हैं. इंक्यूबेटर में कैसे? नहीं नहीं इमीडिएटली, हाँ इमीडिएटली यस, इमीडिएटली अगर है तो इमीडिएटली यस इट इज केप्ट इनसाइड. क्योंकि एकदम बच्चा बाहर आया और उसने लंग्स ने वर्क करना शुरू किया, तो मैम जो मतलब बोल नहीं सकते जैसे जिनका लैरिंजेक्स खराब होता है बाय बर्थ ही, तो कैसे पता लगता है अभी डेड और अलाइव? हाँ मुझे बच्चे की ना मूवमेंट मतलब वो क्राई की आवाज नहीं आएगी, बट डॉक्टर्स कैन फील कि वो रो रहा है, मूवमेंट आएगी है ना, और उसमें हार्ट पंप होना शुरू हो जाएगा. तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड के काम थे वो सारे आपने बाहर करवा लिए बच्चे से, और वो कॉर्ड को कट किया, मदर बॉडी से निकाल के फेंक दिया, मदर बॉडी को क्लीन किया, यूट्रस को सारा, और बेबी के साथ उसे अटैच करके छोड़ दिया. अपने आप ये रिमूव होती है 10 डेज में. और गलती से कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास बच्चा है, तो न्यू पेरेंट्स जो है जिनको नहीं पता होता वो कई बार क्या करते हैं कि उसको जोर से खींचना शुरू कर देते हैं, या फिर जब कपड़े पहना रहे हैं बच्चे को अननोइंगली उसमें कट आ गया, तो इट कैन ब्लीड सीवियरली. तो ये ड्राई होके सूख के गिरना चाहिए, और कई पेरेंट्स तो प्रिजर्व करते हैं. अब इसकी हम स्टोरी सुनेंगे, यू विल बी अमेज्ड कि अम्बिलिकल कॉर्ड हम इसकी इंश्योरेंस करते हैं आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल वाले. यस उसमें फादर की फैमिली मदर की फैमिली सारी कवर करते हैं. यस यस स्टेम स्टेम जो है ना स्टेम सेल बोलते हैं इसको. जब बच्चा बॉर्न होता है उसी टाइम अम्बिलिकल कॉर्ड के जो बीच में मटेरियल होता है उसको प्रिजर्व कर लोगे इन इनक्यूबेटर्स, कंटेनर्स होते हैं जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है, एंड दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स, उनको बोला जाता है स्टेम सेल. स्टेम सेल कैन बी प्रिजर्व फॉर ईयर्स. आप 40 साल के 50 साल के हो गए तब तक रख सकते हैं. एंड दीज स्टेम सेल्स हैव कैपेसिटी to form your liver, kidneys. Unfortunately, कई लोग होते हैं जिनकी kidneys problem होती है, तो kidneys जैसे दोनों खराब हो गई, किसी और से लेना है, और किसी और से अब जिंदा इंसान से. अब my mother is suffering from this, so I can give or my brother can give her, but it is difficult to take that kidney from the living person. तो ये अगर stem cell preserve किए होते तो उसमें आप mother को हम क्योर कर सकते थे, या किसी भी पेशेंट को आप क्योर कर सकते हो. लिवर इन्फेक्टेड है, इनफैक्ट कहते हैं डायबिटीज या बहुत सारी बीमारी है, डायबिटीज को हम कभी भी नहीं ठीक कर सकते. इट कैन बी प्रिवेंटेड बट कैन नॉट बी क्योर. द सेम डायबिटीज डाइट से ठीक होती है, लेकिन अगर आप परमानेंटली क्योर करना चाहते हो, दिस स्टेम सेल क्योर इज परमानेंट. तो ऐसी बैंक्स आए हैं, जैसे अभी मयंक ने बताया कि बैंक्स हैं जो इसको स्टोर करते हैं और वो मंथली रेंट लेते हैं. तो अभी जैसे जो बड़े लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, उनकी फैमिली में ऐश्वर्या राय ने अपनी बेटी के ऐसे स्टेम सेल, दे वर ब्रांड एम्बेसडर्स फ्यू इयर्स बैक, 6 इयर्स बैक, ये बहुत ऐड आती थी. लेकिन नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू अफोर्ड 8,000 मंथली फॉर दिस, फॉर देयर इंश्योरेंस. मतलब 8,000 आप महीने का दे रहे हो फॉर योर लाइफ. ओके फॉर लाइफ है ना, तो इट इज डिफिकल्ट. तो बहुत लोग करवाते भी हैं, बट इट इज गुड. एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि सिर्फ मेरा नहीं क्योर होगा, इफ आई एम प्रिजर्विंग माय स्टेम सेल, मेरे बच्चे से अगर बच्चे का क्योर किया है तो उसके सिबलिंग्स को फायदा हो सकता है, एंड मे बी मदर और फादर. तो ये सबसे अच्छी चीज है कि एक सिर्फ बच्चे को नहीं, उसके मतलब आगे सिबलिंग्स को भी फायदा होगा, और इवन पेरेंट्स को भी. तो स्टेम सेल जो है
अच्छी चीज है बट इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, तो बहुत कम लोग करवाते हैं इसको. स्टेम सेल कल्चर बोलते हैं, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, तो बड़े बड़े लोग करवा चुके हैं बट नॉर्मल कॉमनर्स मुश्किल होता है. तो एक्सपल्शन जब हुई, अब बच्चा जब बाहर आ गया तो बच्चे के, अभी मैंने बताया बच्चे को पैट किया जाता है. क्यों पैट किया था, क्या एक्सपैंड करना था? लंग्स एक्सपैंड किए, लंग्स एक्सपैंड हुए और इसी से सांस आया तो बच्चे का सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया. अभी तक हम मदर की बॉडी पे ही डिपेंडेंट थे, तो नॉर्मल सर्कुलेशन. और जैसी ओपनिंग खुली हुई थी, बहुत सारी ओपनिंग मदर बॉडी से खुली हुई थी, तो फोरामेन ओवेरी क्लोजेस. तो एक्सपल्शन फेज में हो रहा है. Done? Yes, ma'am. Normally, ये last point क्या है? Last point है foramen ovale closes. Okay, done. Yes. Okay, now third point is, इसी के बाद next point आता है after birth. इतने बच्चा जब निकल गया तो क्या होता है after birth? तो after birth में there is loss of placenta. ये बताया ना अभी, placenta तो कई लोग, तो कई mothers तो खा लेती हैं, जानवर हैं वो तो अपने placenta को खा लेते हैं because it is rich in nutrients. And recently I have got an article, so I'll try to share that article also. Some people are making, they are using this placenta and making energy drinks out of it to remain connected to their children. So some people in America, they are, what they are doing is, they are preserving this placenta. Placenta to hum discard kar dete hain, phenk dete hain isko. It is a biomedical waste. लेकिन अब वहां पे तो आपको पता है वहां तो क्रेजी पीपल हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर प्रिजर्विंग दिस प्लेसेंटा एंड यूजिंग दिस, क्रशिंग इट, रिजर्व कर लेते हैं उसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज करके उसको या तो कैप्सुलेटेड फॉर्म में खा रहे हैं या फिर उसको शेक्स में डाल के खा रहे हैं. बिकॉज ऑब्वियसली इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट विल गिव यू नरिशमेंट फॉर श्योर, बट नॉट सो इजी टू डाइजेस्ट. और लॉस ऑफ प्लेसेंटा फिर उसके बाद, यस बट मैं प्लेसेंटा अगर निकल जाएगा बॉडी से तो नेक्स्ट बेबी को कैसे फीड कर पाएंगे? नहीं नहीं, प्लेसेंटा इज अ कवरिंग व्हिच इज फॉर्मड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस. ओके, प्लेसेंटा इज अ कवरिंग आउटसाइड द फीटस. बच्चे, बच्चा जिस बैग में होता है ना उसको बोलते हैं प्लेसेंटा. इट इज नॉट द यूट्रस. यूट्रस नहीं निकली, वोम्ब होती है यूट्रस. बट अर्लियर क्लासेस में तो कहते थे कोई डिस्क है प्लेसेंटा जिससे न्यूट्रिएंट्स बेबी में जाते हैं. हाँ, वो बच्चे डिस्क शेप स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है जब हम, आई मेक द डायग्राम. इसमें जहाँ ये, जहाँ पे बेबी अटैच्ड होता है, ये सपोज बेबी है, इसमें विलाए होते हैं मदर बॉडी से भी और बेबी से भी, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है प्लेसेंटा. इट ग्रोस and form a layer outside this embryo. तो ये पूरी की पूरी slug off होती है, ये पूरी membrane. तो मैम next baby के time पे दोबारा बन जाती है ये? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, uterus बिल्कुल ठीक हो जाएगा. नहीं, ये सब निकल जाएगा और baby होने के बाद, तभी कहा जाता है there should be a gap of minimum 2 years between two child, because ये first case में, ये बनने में takes time. कई बच्चों में बिल्कुल साल का गैप होता है. इट इज डिफिकल्ट फॉर मदर. देयर शुड बी अ गैप ऑफ मिनिमम 3 years, नॉट 2 years. इट शुड बी 3 years, क्योंकि मदर की बॉडी को रीगेन, रिकवरी पीरियड चाहिए. तो अब देख रहे हो आप इसमें आफ्टर बर्थ में, एंड कई बार क्या होता है, सर्जरी से रिमूव करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फीटस
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सबने सुना हुआ है सिजेरियन, और सिजेरियन में काफी डिफिकल्ट है, डॉक्टर्स जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट दे डू वंडरफुल जॉब, आई हैव सीन इट, इट हैपेंड विद मी आल्सो सिजेरियन केस, एंड आई हैव सीन के डॉक्टर्स, अगर आप किसी सिजेरियन कट को, आई विल नॉट शो दैट वीडियो बट आई डेफिनेटली शो यू द वीडियो जिसमें बच्चा डिवेलप हो रहा है, वो बहुत ब्यूटीफुल वीडियो, आई हैव दैट। सिजेरियन केस में देर आर सिक्स लेयर्स, सिक्स डीप कट्स लगते हैं, फर्स्ट कट ऊपर एपिडर्मिस को, फिर उसके बाद डर्मा को, फिर उसके बाद और लेयर, फिर उसके बाद यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते छह कट्स हैं, फिर उसमें बच्चा आपको दिखता है एक बेली में, एक बैग में, एक सैक में, ट्रांसपेरेंट बैग में, उसको बैग को कट करते हैं, बच्चे को बड़े ब्यूटीफुली निकालते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड करते हैं, कट करते हैं, बच्चे को अलग कर देते हैं मदर की बॉडी को, फिर उसको स्यू करते हैं, सिलते हैं, एंड सर्जन्स दे आर सो, सर्जन्स या गायनेकोलॉजिस्ट दे आर सो एक्यूरेट कि एक एक चीज को, एक एक कट, एक एक जो जो उन्होंने स्यू किया है, इतने नीटली करते हैं कि वो बाहर तक कुछ देर में या कुछ मंथ्स में वो पेन भी सबसाइड हो जाती है। तो अगेन डॉक्टर्स बनना इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ बिकॉज यू आर सर्विंग मैनकाइंड, यू आर, आप एक क्रिएशन निकाल रहे हो, वी ऑल आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल सेल, इट्स रियली वंडरफुल, गॉड ने क्या बनाया हमें, एक सेल से इतना कुछ बना दिया, मदर बॉडी से हम बाहर आके सर्वाइव भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज लैक्टेशन। अब जब बच्चा आ भी गया, फिर बच्चे को सबसे पहले चाहिए फीड, फीड को बनाना, फॉर्मेशन सिक्रीशन, बन गया जहां से उससे आगे भी निकलेगा सिक्रीट, और फिर बाहर फेंकना, इजेक्शन, तीन स्टेप्स, इजेक्शन, अगेन अ वंडरफुल थिंग। जब बच्चे को भूख लगती है तो अपने आप मदर बॉडी से जो मिल्क है वो ऊज आउट होना शुरू हो जाता है, तो इट इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन कि गॉड को, मतलब बच्चे को कैसे पता चल जाता है, या मदर को के पास अपने आप मिल्क अपने आप इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, जिसको पता है ये बात का कि छह महीने तक बच्चा ना पानी पीता है आफ्टर बर्थ, टिल सिक्स मंथ्स, जीरो टू सिक्स मंथ्स तक बच्चा ना पानी पीता है ना कुछ खाता है, सिर्फ उसके लिए डाइट होती है मदर मिल्क, कितनों को पता था ये बात का, ओके ऑलमोस्ट ऑल, तो मदर मिल्क जो है इट इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट डाइट, तो मदर मिल्क इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट डाइट, और बच्चे को मदर फीड, ब्रेस्ट फीड करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग सिर्फ सुनोगे, देन आई विल मेक यू राइट डाउन अगेन। फर्स्ट मदर मिल्क का नाम होता है कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम इज येलो कलर फ्लूइड, और इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांसपेरेंट फ्लूइड विच इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी। जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट इज कोलोस्ट्रम, इट इज रिच इन एंटीबॉडीज IgA, ये हम सिर्फ सब लिखेंगे, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब बच्चा पैदा होता है तो मदर के निप्पल्स पे एक स्क्रैप सा फॉर्म हो जाता है, उस स्क्रैप को भी, और ये मिल्क को पिलाना बहुत जरूरी है, अनफॉर्चुनेटली जिनकी मदर्स की डेथ हो जाती है वाइल गिविंग बर्थ, उनके केस में बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती, वो उनके अंदर डिवॉइड होता है दिस IgA एंटीबॉडी विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। कई बच्चों को आपने देखा होगा सर्दियां या जैसे सीजन चेंज होता है छींकें शुरू हो जाती हैं या फिर बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इट इज बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ दीज एंटीबॉडीज। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ, रिच इन एंटीबॉडीज, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव मदर फीड। कल को आप डॉक्टर्स बनोगे तो इट इज इम्पॉर्टेंट, यू विल टेल ऑल योर पेशेंट्स टू गिव मदर फीड टू देयर बेबीज अप टिल वन ईयर एटलीस्ट। अभी ये नहीं तीन चार साल नहीं, चार पांच साल का बच्चा होगा स्टॉप, चार पांच साल तो बहुत देर है, एटलीस्ट फॉर वन ईयर, वन ईयर 1.5 ईयर दैट इज मोर देन इनफ।
बिकॉज जब बच्चा मदर से मिल्क को सकलिंग करता है तो बच्चे का सिर बनना शुरू होता है, सकलिंग से स्कल फॉर्म होता है. जस्ट गिव मी सम टाइम. तो कोलेस्ट्रम सॉरी, तो बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर किसी ने भी बच्चे को बॉर्न के बाद 6 मंथ्स तक देखा है तो जब बच्चा मदर बॉडी से सकलिंग करता है मिल्क की, तो उसका ये जो ब्रेन है, स्कल है, बहुत तेजी से मूव करता है क्योंकि स्कल बोन होती नहीं. ऐसे लगता है जो दिमाग है बिल्कुल स्किन है उसके ऊपर, एक ऊपर पतली सी स्किन है. तभी बोला जाता है छोटे बच्चे को सिर की चोट नहीं लगनी चाहिए क्योंकि हमारे पास जो स्कल है, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स है, वो बच्चे में नहीं होता. ब्रेन बॉक्स के बगैर ब्रेन होता है विच इज वेरी सेंसिटिव. और बच्चे को अगर सिर पे हाथ रखोगे इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी वार्म. और ब्लड वेसल्स भी टच करोगे तो डर लगेगा कि हाथ लगा के, अगर किसी छोटे बच्चे को हाथ लगाना 6 महीने से छोटे, तो इतना डर लगता है सिर को हाथ लगाते हो, ऐसे लगता है कि ब्रेन को टच कर रहे हो. तो जब मदर बॉडी से वो मिल्क सक करता है तो वो कैल्शियम से उसके ब्रेन डेवलप होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो कैल्शियम से सारी बॉडी की कैल्शियम चाहिए. आप लोगों को पता है हड्डियां जुड़ने के लिए बोन्स जो होती हैं बच्चों की ज्यादा होती हैं, बाद में हमारी कम हो जाती हैं फ्यूजन के बाद. तो सब चीजों के लिए कैल्शियम इज रिक्वायर्ड एंड दे टेक कैल्शियम फ्रॉम मदर बॉडी. जो मदर खाएगी वो बच्चे को लगता है. इट इज बेटर इफ वी गिव लाइट डाइट बट हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट टू दी फीमेल. यहाँ पे आपने देखा है मदर्स को पंजीरी या कुछ ऐसी चीजें देते हैं. इट इज गुड बट ओवरडू इज नॉट गुड बिकॉज इट इज गोइंग टू बेबी और बाकी रेस्ट ऑफ यू आर गिविंग इट टू मदर्स विच इज नॉट अगेन गुड फॉर देयर हेल्थ. मैम फॉरेन में या फिर मे बी इंडिया में भी देर आर मदर्स हु डोंट चूज टू फीड देयर चिल्ड्रन एंड दे फाइंड सर्टेन अल्टरनेटिव्स. तो उससे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं 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 नहीं. वो देखो वो जो आजकल जो बॉटल्स आ रही हैं, निपल्स जो आ रही हैं, वो बिल्कुल मदर के उसमें कि जैसे ही उसमें रिजेंबल करती हैं. बट वो हाँ जो मदर से एक्चुअली में इट इज फॉर मदर हेल्थ ओनली. क्योंकि अगर मिल्क जो सिक्रीट हुआ है, जो फॉर्म हुआ है, वो इजेक्ट नहीं हुआ तो वहीं का वहीं रहेगा और इट विल क्रिएट लम्स विद इन मदर बॉडी. इनफैक्ट इट इज गुड बिकॉज एक तो मदर बॉडी शेप में आती है आफ्टर बर्थ इफ मदर कंटिन्यूज या चूजेस टू ब्रेस्ट फीड. दूसरा, मदर फीड इज ऑलवेज बेटर फॉर चाइल्ड ग्रोथ. ग्रोथ बच्चे जो है ना एक्टिव रहते हैं जो बच्चे मदर फीड पे. बाहर यस ट्रेंड था बट नाउ दे आर ऑल्सो फॉलोइंग इंडियन ट्रेडिशन. दे आर ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग देयर चाइल्ड एंड इट इज गुड. हाँ जिनके प्रॉब्लम है वर्किंग मदर्स हैं, अनफॉर्चुनेट मदर कभी. यस मैम, अगर बेबी चाइल्डहुड मतलब जब छोटा होता है वो ब्रेस्ट फीड ना ले और वो प्रीमेच्योर हो फिर? हाँ उस केस में मदर का मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं. देर आर सम पंप्स जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मदर मिल्क, उसको फिर हम आर्टिफिशियल फीड. बहुत छोटे बच्चे को तो कॉटन से पिलाते हैं या फिर छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं पाइप से, सिरिंज से, तो उससे फिर बच्चे को फीड करते हैं. ओके ओके, राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग मिल्क सिक्रीशन. इसमें हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन जो है ये एल्वियोलाई और हमारे मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी ग्लैंड्स क्या होता है? मिल्किंग ग्लैंड्स. MAMMARY मेमरी ग्लैंड्स. प्रोलैक्टिन एक्ट करता है एल्वियोलाई एंड मेमरी ग्लैंड्स. कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज? यस मैम. यस ओके. Next part is prolactin is secreted या prolactin secretion is stimulated. Write down prolactin secretion is stimulated when estrogen and progesterone
when estrogen and progesterone levels are low. कहते हैं जब ये दो हार्मोन्स का लेवल लो होगा तब प्रोलैक्टिन एक्टिव होगा एंड दिस प्रोलैक्टिन इज सिक्रीटेड सॉरी दिस अब ये नीट का क्वेश्चन आता है प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन था टू मेंटेन मिल्क कंसंट्रेशन कितना थिक होना चाहिए मेंटेन मिल्क कंसंट्रेशन एंड फ्लो ऑफ मिल्क आई स्टिल वंडर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मदर ने खाया और बच्चे को लग रहा है मदर ने खाया विल बी surprised to hear कि अगर मदर ने चिकन खाया है तो बच्चे को भी चिकन गया बच्चे मदर ने अगर साग खाया है तो बच्चे को साग गया एंड यू विल सी द चेंज इन स्टूल कलर अगर आपने मदर ने अगर साग खाया है तो बच्चे को ग्रीन पॉटी आई तो हाउ कम इट्स रियली अमेजिंग बिकॉज बेबी इज टेकिंग मिल्क एंड मिल्क इज ऑल वाइट इट डज नॉट हैव एनी फाइबर इन इट बट मिल्क इज कम्प्लीट डाइट फॉर बेबी 6 महीने के बाद हम पानी की बूंदे पिलाते हैं पानी पिलाते हैं एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज नोन एज लैक्टोजेनेसिस या फिर समटाइम्स यस एक बार वो आप बता दो प्रीमैच्योर बेबी का नाम मैंने सुना नहीं था मेरा ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा था ओके मुझे नहीं कुछ नहीं मैंने आपको बताया कि प्रीमैच्योर बेबी अगर 7th मंथ में हो गया तो उस केस में जो बेबी की डेवलपमेंट इंक्यूबेटर में होगी क्योंकि 7th मंथ से पहले 7th मंथ में हुआ है तो फिर उसकी ब्रेन डेवलपमेंट 8th मंथ में होनी थी वो बाहर होगी लेकिन अगर 8th मंथ में हुआ है पॉसिबल नहीं बच्चा सर्वाइव करे क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट या नर्व्स डेवलपमेंट थी वो हो नहीं पाई मैम एक्चुअली मैम मेरा बर्थ भी 8th मंथ में हुआ है 8th मिड में नहीं होगा या तो स्टार्टिंग में या फिर एंड में है ना स्टार्टिंग जब इनिशियल स्टेज में हो या फिर जब एंडिंग में हो तब ठीक है हो सकता है क्योंकि प्री मेच्योर बेबीज को सर्वाइव करवाना बहुत मुश्किल है 8th मंथ में ओके नर्व्स और ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मेजर ऑर्गन है तो ये शॉक लगता है बच्चों को अगर इस स्टेज में एकदम बाहर आ जाए यस तो मम्मी जो बच्चों को टाइफाइड वगैरह कैसे हो जाता है जो एकदम से मतलब यस मैम एकदम से कईयों को बर्न होती जॉन्डिस हो जाता है जॉन्डिस यस ये बच्चे एक हाँ जॉन्डिस ये बच्चे क्या होता है जब बच्चा एकदम आता है मदर बॉडी से बाहर तो वो आरबीसीज या ब्लड जो है ना एकदम कुछ खत्म हो जाते हैं बॉडी एकदम पीली हो जाती है पीलिया बोलते हैं इसको जॉन्डिस को एंड देन दे आर केप्ट इन लाइट बिना कपड़ों के बच्चों को लाइट में रखना पड़ता है बहुत ज्यादा डार्क रेज में और कई बच्चे तो ऐसा इफेक्ट आता है इतनी स्ट्रॉन्ग रेज में रखने का कि पूरी उम्र उनकी बॉडी डार्क रहती है बिकॉज ऑफ दीज रेज तो होता ये है कि जब जो इट इज हाईली इन्फेक्शियस जैसे एक बच्चे को हुआ था पीजीआई में यू नो कि वहां पे एक दिन में 30-40 डिलीवरीज होती हैं तो एक बच्चे को था वो इक्विपमेंट्स दे आर सेम हल्का सा बच्चे का टॉल या फिर कोई इक्विपमेंट ऐसा लग गया जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन था तो मैक्सिमम केसेस में जो बाहर बच्चे बॉर्न हो रहे हैं आप देखते होंगे जो हॉस्पिटल में पीजीआई में तो मैक्सिमम सबको ही होता है और फिर कुछ दिन के लिए रखते हैं इंक्यूबेटर्स में और उनको लाइट में रखते हैं तो ठीक हो जाता है बच्चे का आरबीसी लेवल डाउन हो जाता है ओके तो आपने लिख लिया लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोजेनेसिस नेक्स्ट पॉइंट इज मिल्क इजेक्शन मिल्क इजेक्शन तो जॉन्डिस क्यूरेबल है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं हाँ बट ज्यादा अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो फिर बच्चों के लिए मुश्किल है बिकॉज सांस नहीं ले पाते तो इट शुड
मतलब फिर तभी डॉक्टर्स विजिट के लिए बुलाते हैं, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है कहते हैं ब्रिंग, या तो उसी दिन कह देंगे कि बच्चे की आंखें पीली हैं या इसके हाथ पांव में पीलापन है कि इसको ये प्रॉब्लम हुई है, या फिर नेक्स्ट डे बोलते हैं कि आप लेके आना कि बच्चे को देखेंगे। को ब्लड इंफेक्शन भी हो जाता है। जल्दी उन डॉक्टर्स के पास या उस जगह पे होता है जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन हो, इसलिए बच्चों के लिए बहुत केयर जरूरी है। मेडिकल लाइन में इक्विपमेंट शुड बी क्लीन, मतलब वो स्टरलाइज होने चाहिए। स्टरलाइज इक्विपमेंट्स को अगर आप यूज कर रहे हो बार बार बार, इसीलिए इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि आप हर बार नए तो यूज नहीं कर सकते स्टरलाइज करने। स्टरलाइज के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इंक्यूबेटर्स ही होते हैं, वो बड़े बड़े स्टीमर्स होते हैं, जैसे कुकर होता है ना स्टीमर, बिल्कुल वैसे ही स्टीमर्स होते हैं, और उनके अंदर स्टीम के साथ उसको स्टरलाइज करते हैं। तो मिल्क इजेक्टन में, इजेक्शन में सबसे पहला हार्मोन था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, मिल्क भी इजेक्ट करेगा, बेबी को भी इजेक्ट करेगा। तो कंट्रैक्शन ऑफ मसल, ऑक्सीटोसिन के आगे डैश डाल के लिख लेना कंट्रैक्शन ऑफ मसल, और दूसरा कोलेस्ट्रम, अभी बताया यही मिल्क इजेक्टिंग था। यस भी आप कह रहे थे भी इंस्ट्रूमेंट साफ होने चाहिए। ब्लू कलर का वो क्या स्प्रे करते हैं? हाँ स्प्रे, पता नहीं, मैं जब भी हॉस्पिटल विजिट करता हूँ, मैं मतलब इम्यूनिटी काफी वीक है, मैं जब भी विजिट करता हूँ ना डॉक्टर यूज्ड टू टेक सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट एंड मुंह में डालते हैं वो टंग नीचे करने के लिए। हाँ बच्चे वैसे कोई ब्लू स्प्रे छिड़कते हैं उसके बाद सारे जर्म्स हट जाएंगे। वो बच्चे रेटिनॉल, रेटिनॉल है, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, रेटिनॉल्स होते हैं, इथेनॉल होता है, अल्कोहल है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग। तो बच्चे वो स्टरलाइजेशन के लिए, बिकॉज अल्कोहल में ना जर्म्स खत्म हो जाते हैं, अगर प्योर अल्कोहल है उसमें जर्म्स खत्म हो जाते हैं। तो अब देखो ऑक्सीटोसिन ने मसल को भी कंट्रैक्ट किया यूट्रस के, कोलेस्ट्रम भी प्रोड्यूस किया, और कोलेस्ट्रम में मैंने अभी बताया इट हैज एंटीबॉडी विच इज आई जे ए, नाम है एंटीबॉडी का आई जी ए, विच इज विच गिव्स अस पैसिव इम्यूनिटी, पूरी उम्र जो है हमें इम्यूनिटी मिलती है। फिर कहते हैं मिल्क कैसे इजेक्ट होता रहता है, ये बच्चे अपने आप करवाते हैं मदर से, जैसे ही सकलिंग करते रहेंगे निप्पल की मिल्क आता रहता है, या फिर मदर के इमोशंस कि मेरा बच्चा भूखा है। Emotional mother should be given pure complete nourished diet, so that is why it is called as neuro, क्योंकि brain भी तो काम कर रहा था mother का, emotion तभी आए, और hormone है endocrine reflex, neat का question है कि reflexes सिर्फ hormone से हो रहा है, no it includes brain also। Done, everyone? Yes, ma'am. Okay, Dolly. Okay, milk में अगर हम बात करें तो milk contains minerals, सब कुछ सब minerals हैं। It has protein जो बढ़ने के लिए चाहिए, नाखून बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए, casein, casein protein, sugar है, कौन सी sugar होती है सबको पता है, लैक्टोज, एंड इट हैज ओएच नेगेटिव ड्रॉपलेट्स। सो मिल्क के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें मिलेंगी आपको। वील स्टडी अबाउट द डिफेक्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास, और ट्विन्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे कि ट्विन्स कैसे होते हैं और ट्विन्स का कैसे आते हैं और कैसे होते हैं टाइप्स के, तो वील स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप सबको आज ये टॉपिक समझ आ गया। एनसीईआरटी में सिर्फ हाफ अ पेज का है ये टॉपिक, बट आई गेस सबको अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो जस्ट यस मैम, जो इम्प्लांटेशन होता है मैम, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? इम्प्लांटेशन बोला आपने, यस दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन ही उसको बोलते हैं. ओके सो बच्चे आप लोग भी अपने ओके स्टार्ट स्टडिंग एंड डू आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.